ओम शांति। आज का विषय है साइकोलॉजी बिहाइंड इमोशनल सेपरेशन। जो भावनाओं का दमन हम करते हैं उसके पीछे विज्ञान या मनोविज्ञान क्या है, उसके विषय में हम जानेंगे। तो एक सीरीज है जिसमें एक एक करके सारी बातों को गहराई से समझेंगे। सो इस योग मार्ग में देखा जाए तो सबसे जो बड़ा विघ्न है वह सेपरेशन ही है। सेपरेशन लेकर हम इस योग मार्ग के रास्ते को तय नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो लंबी यात्रा तय नहीं कर सकता है, क्योंकि कांटा उसे बार बार परेशान करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी इमोशनल या भावनाएं, चाहे घृणा की हो चाहे नफरत की हो, अगर उन भावनाओं रूपी कांटे को अगर आत्मा में हम चुभा कर रखेंगे तो हम इस योग मार्ग में अच्छी अनुभूतियां नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम में से कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो योग जैसे ही करने बैठते हैं उनका माथा या सिर भारी हो जाता है, और उसमें से एक मुख्य कारण सेपरेशन हो सकता है। या कई जो बैठते हैं माथा तो भारी होता है लेकिन आंखों से रोना भी आता है। कारण, भावनाओं को, नेगेटिव भावनाओं को या जो हर्ट हुआ है उसको हमने कहीं ना कहीं आत्मा की गहराइयों में सप्रेस करके रखा हुआ है। तो इस सप्रेशन से कैसे मुक्ति पाएं जिससे हमारा योग और भी सरल और सहज हो सके, ये इस सीरीज का उद्देश्य है, जिसमें हम एक एक विषय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। इसीलिए हमें कोशिश करें कि अगर उन ज्ञान बिंदुओं को हम अपनी डायरी में नोट कर सकें तो बहुत ही अच्छा। जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे हैं, सेपरेशन इज लाइक अ स्लीपिंग वोल्केनो। सेपरेशन एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता है, और फटने के बाद क्या होगा हम स्लाइड में स्वयं ही देख सकते हैं, हमारे किस प्रकार की अवस्था हो सकती है। और अगर बहुत ही तीव्र गति से या तीव्र वेग से फटे तो क्या होगा वो भी हम स्लाइड में देख कर स्वयं समझ सकते हैं। जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, सप्रेस्ड इमोशंस आर लाइक फिजिकल वूंड्स, विदाउट प्रॉपर फर्स्ट एड दे नेवर हील। सप्रेशन जो होता है, इमोशनल सप्रेशन होता है, एक जख्म या एक घाव की तरह है जो बिना प्रॉपर फर्स्ट एड के हील होने वाला नहीं है। हम ये ना समझे कि हमने भावनाओं को सप्रेस कर लिया है, बिना ट्रीटमेंट के अपने आप वो समाप्त हो गए हैं। जी नहीं, वो आत्मा की अंतर गहराइयों में अभी भी छिपे पड़े हैं एक कांटे की तरह। उन कांटों को निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। आगे की स्लाइड में दिखा गया है, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस विल नेवर डाई, दे आर बैरिड अलाइव एंड विल कम फोर्थ लेटर इन अग्लियर वे। सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड का भी मानना था कि अनएक्सप्रेस्ड जो इमोशन होते हैं वो डीपली बैरिड दफने हुए रहते हैं, और ये नहीं कि वो मर गए लेकिन वो जैसे ही ऊपर आते हैं तो बहुत ही कुरूप रीति से ऊपर आते हैं, इसीलिए इनका ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। दिखाया गया है, सेपरेशन इज लाइक होल्डिंग अ बर्निंग कोल। जैसे अगर हम बर्निंग कोल को होल्ड करके रखेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा वो क्या होगा, एक एक करके परतों को जलाते जाएगा, और वेदना या पीड़ा किसे होगी, आत्मा को होगी। तो इस प्रकार की वेदना लेकर हम पुरुषार्थ को या योग के रास्ते को कैसे प्रशस्त कर पाएंगे, इसीलिए इस विषय पर डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामने देख रहे हैं, होल्डिंग ऑन टू सेपरेशन इज लाइक दिस। देख रहे हैं चित्र में कैसे दिखाया गया है, अगर लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे तो क्या होगा, स्पष्ट चित्र में दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल्पना कीजिए कि इस मोबाइल को हम अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 10 या 15 घंटा, कुछ देर के बाद क्या होगा, उंगलियों में तनाव तो बढ़ेगा ही, शायद फ्रैक्चर भी हो जाए, यह हालत हो सकती है। जबकि हल्की फुल्की वस्तु लग रही है फिर भी, लेकिन लंबे टाइम तक सस्टेन्ड होल्डिंग अगर रहे तो क्या हो सकता, हम देख सकते हैं।
तो जब स्थूल वस्तु के साथ ये होता है तो उसी प्रकार अगर हमने किसी भी भाव, नेगेटिव भाव को अंदर होल्ड करके रखा है, घृणा या आवेश या हेल्पलेसनेस की फीलिंग कि मुझे दबाया गया है, अगर उस फीलिंग को होल्ड करके रखें तो अंदर क्या होगा इसका अंदाज़ा हम स्वयं लगा सकते हैं। और देखा गया है, देखा गया, हमने स्वयं भी देखा है, कईयों को जो है हिप्नोथेरेपी दी जाती है और वो सारे इमोशंस जब रिकलेक्ट कराए जाते हैं तो उनके नथुने फूलने लगते हैं, इतना गुस्सा रहता है। या किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, वो इमोशंस बाहर आते हैं, उनके चेहरे के भाव ऐसे चेंज होते हैं कोई भी व्यक्ति परख सकता है। इतनी गहराइयों तक लोगों ने उन इमोशंस को होल्ड करके रखा है, तो उसे कैसे मुक्त हो और कैसे उससे मुक्ति पाया जाए, यही हमारा विषय है। आगे हम देख रहे हैं, डूइंग मेडिटेशन विथ सेपरेशन इज लाइक दिस। हम में से कई हैं जो एक हाथ में दोनों लड्डू चाहते हैं, एक तरफ इमोशन को सप्रेस करके भी रखा है और योग मार्ग में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, क्या उसका परिणाम होगा? अगर किसी व्यक्ति के पैर में लोहे का गोला, आयन बॉल बांध दिया जाए और वो पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है, चढ़ पाएगा? वो तो ऐसा ही हुआ कि एक हाथ में दोनों लड्डू हम होल्ड करना चाहते हैं, नहीं होगा। हमें पहले उसे निजात पानी होगी, तभी हम सहजतापूर्वक उस मार्ग पर चल पाएंगे या प्रशस्त कर पाएंगे। तो जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सेपरेशन ऑन बॉडी या सबकॉन्शियस सिलेक्टिंग द बॉडी पार्ट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर को सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस कंट्रोल्स द बॉडी, और हमारे बॉडी के जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन या वो क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बिना, हमारी इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वो इनवॉलेंटरी एक्शन भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। तो अगर हमने इमोशन को सप्रेस करके रखा है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, निश्चित ही है उसका बॉडी पे इफेक्ट होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। लंबे टाइम जैसे ही बीतता है तो सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई बॉडी पार्ट को सिलेक्ट कर लेता है, कभी हाथों को, कभी पैर को। जैसे हमने देखा होगा, जब व्यक्ति गुस्से में रहता है तो मुठ्ठियाँ उसकी बंद जाती हैं, सारा इमोशंस मुठ्ठियों की तरफ है, पूरा भावनात्मक फ्लो जो है मुठ्ठियों की तरफ है, और अगर लंबे टाइम तक रिटेन हो जाए तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर असर आएगा, हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, अलग अलग ऑर्गन्स पे असर आता है, कईयों को माइग्रेन होता है और खूब ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन फिर भी उसका कोई इलाज नहीं निकलता, घर वाले काफ़ी परेशान रहता है, आगे जाके मालूम पड़ता है कि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा गया ये कल्पना नहीं है। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि हल्का सा स्ट्रेस होता है, एंडोक्राइन सिस्टम पे इफेक्ट होता है, स्ट्रेस का बॉडी पे इफेक्ट सबको मालूम है। मैं उन इमोशंस की बात कर रहा हूँ, उन नेगेटिव इमोशंस को जो हमने अंदर सप्रेस किया और बॉडी पार्ट, किसी न किसी बॉडी पार्ट पे उसका इफेक्ट चालू हो गया बीमारी के फॉर्म में। तो बीमारी स्थूल कारणों से नहीं है लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस हैं, और लोग खूब ट्रीटमेंट कराते हैं, कई मैंने हमने केसेस देखे हैं और रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, मेंटल लेवल पे कोई ना कोई एक्टिविटी घटित होती है, मेंटल इमोशंस का इफेक्ट फिजिकल पे होना चालू होता है, पहले फर्स्ट मेंटल लेवल एंड देन फिजिकल लेवल। तो ये बहुत ही गहरा कनेक्शन है, सबकॉन्शियस सिलेक्टिंग दी बॉडी पार्ट अगर हमने सेपरेशन किया तो। और ये प्रायः देखा गया है कई बार कि लोग योग करने बैठते हैं और सिर भारी होने लगता है, आंखों से आंसू, ऐसे सिर भारी नहीं था, केवल थोड़ी देर फोकस करना चालू किया सिर भारी, प्रोवाइडेड उन्हें कोई फिजिकल डिसऑर्डर ना हो, कोई बीमारी ना हो, फिर भी सिर भारी हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चांसेस वही है, हमने इमोशंस को सप्रेस करके रखा है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो इसे हम अवश्य चेक करें। आगे हम देख रहे हैं स्लाइड में कि कभी भी हमारे पास कोई सिचुएशन आती है या स्ट्रेस आता है तो व्यक्ति का एक स्वभाव है कि तीन टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो हम फाइट करते हैं, या तो फ्लाइट अर्थात भाग जाते हैं, या तो फ्रीज अर्थात प्लेइंग डेड, ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि मुर्दे की तरह, हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं जो बेसिक इंस्टिंक्ट पाई गई है मनोविज्ञान के आधार पर, फाइट, फ्लाइट और
फ्रीज स्टेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, फ्रीज वाली अवस्था जिसे हम कहेंगे प्लेइंग डेड। जैसे हमने बचपन में कहानी सुनी होगी भालू की, एक भालू रहता है और दो मित्र रहते हैं, अचानक में भालू आता है और दोनों में से एक मित्र जो है वो फाइट नहीं कर पाता है, फ्लाइट अर्थात भाग जाता है और पेड़ पर बैठ जाता है, और बेचारा दूसरा मित्र ओवरवेट रहता है, हेल्दी रहता है, तो वो सोचता है कि अब भाग भी नहीं पाऊंगा, फ्लाइट भी नहीं ले पाऊंगा, फाइट भी नहीं कर पाऊंगा, तो फ्रीज अर्थात प्लेइंग डेड ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो मुर्दा हो चुका है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस प्रकार ये तीन अवस्थाएं जो होती हैं, तो तीनों में से जो फ्रीज वाली अवस्था है उसका सप्रेशन के साथ बहुत ही गहरा संबंध है जो हम आगे समझेंगे। अब इसके पश्चात जैसे कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ऑफिस का एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए ऑफिस का कोई कलीग है हम पे जो है सिक्योरिटी लीक करने का आरोप लगा रहा है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो हम फाइट कर सकते हैं, या तो फ्लाइट, या तो फ्रीज। फाइट में हम क्या करेंगे, उसे बैक आंसर देंगे, फ्लाइट में क्या करेंगे, वो कमरा छोड़कर चले जाएंगे, और प्लेइंग डेड या फ्रीज में क्या करते हैं, हम चुप हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चला जाए और मेरे सामने ज़्यादा ना बोले, क्योंकि हमें एक भय रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, बाल बच्चों को कैसे संभालूंगा, या जो मेरी ईएमआई चालू है वो मैं कैसे पे करूंगा, ये सेटिंग बिगड़ जाएगी, इसीलिए उस अवस्था में जैसे कि हम फ्री स्टेट में हैं। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो दिखाया गया है वो है सास बहू का एग्जाम्पल है, जिसमें देख रहे हैं कि नई नई बहू आई है और कुछ मिस्टेक हो जाती है और सास जो है ननद के सामने सबके सामने उसे डांट रही है, डांटना मतलब ऊंची आवाज़ में थोड़ी बोल रही है, तो बहू कौन सी अवस्था में रहेगी, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, क्या कहेंगे? अभी नई नई आई है इसीलिए फाइट तो करेगी नहीं, बैक आंसर नहीं देगी, फ्लाइट नहीं कर सकती अर्थात कमरा छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि और भी अपमान होगा सासू माँ के सामने, सासू माँ को लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो और भी एकदम जो है इसे मर्यादा और आचरण का ज़रा भी ज्ञान नहीं है, मेरी इज्जत की नहीं पड़ी है, ऐसा हो सकता है, तो वो हम नहीं करेंगे अक्सर। तीसरा जो ऑप्शन होता है फ्रीज अर्थात चुप रह गए हैं और चुप रहते हैं अंदर अंदर हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, ये सहनशीलता नहीं है, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं अर्थात प्लेइंग डेड या फ्रीज वाली अवस्था में। तो इस प्रकार ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। अभी जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं बहुत से कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि सप्रेशन और सहने में क्या अंतर है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग समझते हैं कि हम सह रहे हैं बट वास्तव में वो सहना नहीं होता है, सप्रेस करना होता है 90% ऑफ द टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग नहीं सहते, हमें से बहुत से लोग सहते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सप्रेस किए रहते हैं। तो कैसे पहचाना जाए उसके बारे में हम आगे और डिटेल जानेंगे, लेकिन पहले हम जीवन चक्र समझते हैं कि सप्रेशन कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है, कैसे उसकी शुरुआत होती है, स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। तो पहले शुरू करते हैं इसी एग्जाम्पल को लेते हुए स्टेज वन। तो स्टेज वन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने सिचुएशन है या इवेंट है, घटना घटित हो रही है, सासू माँ ज़ोर से बोल रही है, थोड़ा ऐसे नहीं कि ज़्यादा बोला, ज़ोर से बोल रही है कि नमक क्यों डाला कम, और भी लोग घर के सदस्य जो हैं मौजूद हैं किचन में। तो सबसे जो पहला स्टेज जो दिखाया गया है उसमें है यह है कि एक्सपेक्टेशन, तीन पॉइंट्स यहाँ पे याद रखनी है, एक्सपेक्टेशंस, इमोशन और हेल्पलेसनेस, ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं। एक्सपेक्टेशन अर्थात हम आशाएं रखते हैं किसी न किसी मान्यता के आधार पर, या बिलीफ या मान्यता के आधार पर, वो मान्यता कठोर मान्यताएं भी हो सकती हैं, रिजिड और तर्कहीन मान्यताएं हो सकती हैं, इलॉजिकल मान्यताएं हो सकती हैं, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध कोई कर्म कर रहा है और एक्सपेक्टेशन कोई ना कोई मान्यता पर आधारित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि इनको सासू माँ को ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, और हमारी मान्यता ऐसी है कि नहीं, जो ज़ोर से बोलता है वो अच्छी बात नहीं होती है, ये तो अपमान ही होता है, ये हमारी मान्यता हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमारी मान्यता सत्य हो। तो एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ बिलीफ, बीच में भी इलॉजिकल या इरेशनल हो सकता है, कठोर या बहुत ही रिजिड हो सकता है, पहला। दूसरा स्टेट क्या होगा, जैसे ही हमारी आशाओं के विपरीत, एक्सपेक्टेशन के विपरीत जब कर्म किया गया तो हमें हर्ट की फीलिंग आएगी, या तो हैट्रेड, गुस्से वाले स्वभाव के होंगे, लग रहा है कि हम फेस कर सकते हैं तो हमें गुस्सा आएगा,
हेट्रेड आएगा या तो हार्ट की फीलिंग होगी, ये दूसरी पॉइंट हुई। और तीसरी, इसके साथ साथ एक और फीलिंग विद्यमान रहती है जिसे हम कहते हैं फ्रीज वाली स्टेट, फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज वाली स्टेट यहाँ पे आ जाती है और हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, जबकि हम हेल्पलेस हैं नहीं लेकिन हेल्पलेस महसूस करते हैं। तो ये तीन चीज़ें एक साथ चलती हैं पहले वाली स्टेज में, स्टेज वन जिस समय घटना घटित हो रही है। अब हम स्टेज वन से हम जाएंगे स्टेज टू पे, अब आगे क्या होता है। तो स्टेज टू में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर थॉट्स और फीलिंग लेवल पर सारी क्रियाएं घटित होती हैं। यहाँ पे जो घटना घटेगी थॉट्स और फीलिंग लेवल पे चेंजेस नज़र आएंगे। याद रहे थॉट्स अलग होती हैं, फीलिंग्स अलग होती हैं। तो क्या अवस्था है स्टेज पे लिखा गया है, बाप समान स्टेज है और डाइवर्जन स्टेज है। बाप समान मतलब आध्यात्मिक रीति से बाप नहीं, बाप का मतलब होता है बैकग्राउंड ऑटो प्रोसेसिंग। कहीं ना कहीं मस्तिष्क में जो घटना घटी है, घटना तो घट चुकी है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग, उसका चिंतन, रुमिनेटिंग थॉट्स, बार बार वही विचार आते हैं। और हमें सिर्फ विचार नहीं आते, विचार के साथ इमोशंस भी होती हैं, भावनाएं भी होती हैं, केवल विचार नहीं होते हैं, हर विचार के साथ कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़े रहते हैं। तो बार बार वो विचार आते हैं और हमें ना चाहते भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम उसे रिपीट करते रहते हैं और वो पीड़ा की महसूसता होती रहती है। स्टेज में पीड़ा की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, एक्सट्रीम होती जा रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चलते जा रहा है और हम इसमें क्या करते हैं, डाइवर्जन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें फीलिंग बहुत गंदी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, इमोशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम इसे इग्नोर करते हैं, डिनाय करते हैं, डाइवर्जन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करना हम चालू कर देंगे, इसे बचेंगे, बचने की कोशिश करते हैं, जो कि यथार्थ नहीं है। हमें स्टोरी को क्लोज करना चाहिए था लेकिन क्लोज ना करके हम उसे डिनाय कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और अलबेले बन रहे हैं। हमें चाहिए कि हम क्लोज करें लेकिन क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये होती है सेकेंड लेवल वाली अवस्था, जो थॉट लेवल पे सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम देख पा रहे हैं हम। तो इस प्रकार इस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, बिकॉज कारण क्या होता है, बैकग्राउंड ऑटो प्रोसेसिंग चालू है, इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे हैं, हम डाइवर्जन मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो थॉट और फीलिंग लेवल पे सारी घटनाएं घट रही हैं स्टेज टू में। अब हम आते हैं स्टेज थ्री में। स्टेज थ्री में अभी हमारे बिहेवियरल, हमारे करने में, कर्मणा में सारी चीज़ें दिखनी चालू हो जाएंगी। क्या क्या चीज़ें दिखेंगी एक बार देखते हैं। स्टेज थ्री में हम कहीं ना कहीं दो चीज़ें करेंगे, मास्किंग करेंगे, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश करेंगे बाहर से एक मास्क पहन के, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते हैं कि सासू माँ मुझे बड़ी चीज़ें खराब लगी हैं, बाहर से स्माइल करेंगे और अंदर अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मास्किंग एक पहला लक्षण है जो हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम बहुत सारे एस्केप बिहेवियर अपनाएंगे। एस्केप बिहेवियर मतलब क्या होगा, बच तो रहे हैं मेंटल लेवल पे, अब बिहेवियर लेवल पे आकर क्योंकि हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है, बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है, लंबे टाइम तक टीवी देखेंगे, फिर यूट्यूब के वीडियो सर्फ कर रहे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे बैठ रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहले थॉट और फीलिंग लेवल पे था, स्टेज थ्री में बिहेवियर लेवल पे आ गया, मास्किंग भी हो गई, अब बिहेवियर लेवल पे चल रहा है और सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। अब एक्सट्रीम इसमें क्या होगा, अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम कहीं ना कहीं इसका अंतिम स्टेज ये हो जाएगा, वो सारी घटनाओं का असर हमारे बॉडी पे पड़ना चालू हो जाएगा। अब हो सकता है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग ना हो लेकिन इमोशन को हमने स्टोर कर लिया है, तो हमारे शरीर पे उसका इम्पैक्ट या उसका असर दिखना चालू हो जाएगा, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। और हम शब्द यूज़ करते हैं कि जब किसी और को भी हम उसी पीड़ा में देखेंगे, ननद है, ननद नहीं, दूसरी छोटी बहू है, उसके साथ भी ये हुआ, तो उसकी पीड़ा को देख, हमारी पीड़ा जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और डबल हो जाती है, हम प्रॉपरली सिचुएशन को डील नहीं कर पाते। जैसे मैं कहता हूँ सेलिब्रिटी क्राइंग, सेलिब्रिटीज जो आते हैं स्टेज पे किसी दूसरे की परफॉर्मेंस को देखकर वो खुद रोने लगते हैं, भावात्मक या भावनात्मक पहलू उनका उजागर हो जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं उस इमोशन को अंदर सप्रेस करके रखते हैं और उस सामने वाले में अपनी कहानी वो ढूंढते हैं और देखने लगते हैं। तो ये होती है सेपरेशन की तीसरी अवस्था, जिसमें आदमी का कंप्लीट जैसे कि ब्रेकडाउन हो जाता है और बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रही है, पति को समझ में नहीं आएगा कि क्यों ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन उसके पीछे की एक लंबी कहानी है। इस प्रकार हम देख रहे हैं ये तीन अवस्थाएं।
सेपरेशंस की होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे जानें कि सेपरेशन वाले लोग कैसे होते हैं या हमारे अंदर वो लक्षण विद्यमान है कि नहीं, कैसे जाना जाए। इसका पहला सिम्टम्स ये होगा कि जो सेपरेशन वाले होंगे वो पर्सनैलिटीज इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन अंदर ही अंदर सारी चीज़ें चलती हैं। इंट्रोवर्ट टाइप का मतलब ये हुआ दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट दैर इमेज, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इमेज कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सेपरेशन की अक्सर प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो भावनाओं को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों? एक्सप्रेस करेंगे तो पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इमेज कॉन्शियसनेस। याद रहे इमेज कॉन्शियसनेस और ईगो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इमेज कॉन्शियसनेस को बाबा मुरलियों में कहते हैं देहभान, देहाभिमान कहते हैं बाबा मुरलियों में। तो अक्सर जब हम अभिमान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आता है ईगो या घमंड। जी नहीं, ईगो या घमंड वो तो व्यक्ति के चेहरे से दिख जाता है, उसके बोलने के शैली से या उसके बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है। वो घमंड और ईगो तो एक अलग बात है जो कोई भी देख सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं कहा जा रहा है देहाभिमान, अर्थात देहाभिमान मतलब सटल फॉर्म ऑफ ईगो। और ये वो लोग होते हैं जो बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, थैंक यू सॉरी बोलने वाले लोग होते हैं, बड़े सॉफ्ट और डेलिकेट लोग होते हैं। और उनकी बेसिक जो निशानी होती है वो होती है हर्ट होने की संस्कार। ये लोग ये इस प्रकार की पर्सनालिटीज इमेज कॉन्शियसनेस होती है। अब बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि जो अभिमान रहेगा तो उसे अपमान की फीलिंग ज़रूर आएगी। तो अगर हमारे अंदर हर्ट होने की प्रॉब्लम है, संस्कार हैं, कुमारियों के अंदर अक्सर करके देखा जाता है अगर इस प्रकार के संस्कार हैं, अच्छे संस्कार भी होते हैं बट अगर हर्ट होने के संस्कार हैं मतलब संभावना है कि हम भी सेपरेशन के शिकार हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज का क्या होगा, हमने जो एक मेंटल इमेज बना के रखी है उसका क्या होगा। तो ये बातें पाई जाएंगी, ये बेसिक लक्षण जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेपरेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। और क्या इनके संस्कार होंगे? दूसरे संस्कार होंगे कि हमेशा ये उस प्रकार के लोग होते हैं जो गुडी गुडी सब जगह अच्छा ही अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मास्किंग पहन लेते हैं, सब अच्छा चल रहा है। बट मास्क पहनते पहनते कभी तो थकेंगे और फिर क्या होता है, मास्क इतना पहनना पड़ता है लोग उनसे संतुष्ट रहते हैं, कई लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, समझते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, कितने खुश हैं, अंदर कितने खुश हैं उनको ही मालूम है, तो लोग झांसे में आ जाते हैं। और मास्क पहनते पहनते इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। आई विल कॉल इट एज आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी हम आइडेंटिटी भूल जाते हैं अच्छा लगने के चक्कर में। तो इस प्रकार ये बहुत ही डेलिकेट टाइप की बस, अगर वो डेलिकेट बाबा कहते हैं ज़्यादा नाजुकपना है तो ऐसे पूर्ण संभावना है कि ऐसे लोग सप्रेस करेंगे, इनमें सप्रेशन के लक्षण पाए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये इमेज कॉन्शियस हैं इसीलिए हमेशा इन्हें रहता है कि कोई हमें जज ना कर ले, कोई हमें जज ना कर ले। जज करने से कोई क्या कर लेगा, लेकिन हमेशा हम घबराए रहते हैं कोई हमें जज ना कर ले। तो अगर ये जज कोई हमें कर रहे हैं इससे हम घबराए हुए हैं, इसका मतलब ये होता है वी आर इमेज कॉन्शियस। बिकॉज वी आर इमेज कॉन्शियस वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आर फीलिंग, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और हमें सेपरेशन के इश्यूज़ हैं। ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकते हैं सेपरेशन हमारे अंदर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन के और क्या क्या चीज़ें लक्षण दिखाई देते हैं बिहेवियर में। तो एक तो जिसका भी इरिटेटिंग बिहेवियर है, बात बात में व्यक्ति इरिटेट हो रहा है। क्यों इरिटेट हो रहा है? क्योंकि अंदर भावनाएं बहुत सारी पड़ी हैं। तो अगर इरिटेटिव बिहेवियर है अर्थात समझ जाना चाहिए सेपरेशन के शिकार है। क्रोध एक बड़ी बात होती है लेकिन छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना या फ्रस्ट्रेट होना, मतलब कह सकते हैं लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी सहन शक्ति नहीं है, ऐसे जान सकते हैं। दूसरा जो दिखाया गया है कि जैसे बताया गया था, जैसे सास और बहू वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ऑलरेडी हमने ये पॉइंट्स देख लिए हैं कि डाइवर्जन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक टीवी देखना, टीवी के एपिसोड्स में भी अंदर खालीपन है ना, तो उस एपिसोड्स में उस देख देख कर अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। या तो ओवर ईटिंग, कई बार लोग सेपरेशन में होते हैं या टेंशन में भी स्ट्रेस में भी होते हैं तो बिना मतलब के भी वो मुँह चलते रहता है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, अंदर आनंद मिल नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्षणिक आनंद बाहरी वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त किया जा रहा है।
और जैसे हमने बताया सेलिब्रिटी क्राइंग, दूसरों की भावनाओं को अपने साथ रिलेट कर पाना, ये भी कुछ लक्षण जो है पाए जाते हैं जो व्यक्ति सप्रेस्ड या इमोशन को सप्रेस करता है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट लक्षण भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, फेसबुक पे रहना, इंस्टाग्राम पे रहना, ये सारे सिम्टम्स सप्रेशन के होते हैं। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने सप्रेशन क्या होता है, इसकी क्या स्टेजेस होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, वो हमने जाना। अभी हमारा होमवर्क ये है कि हम स्वयं में पता करें कि अगर हमारे अंदर ये सिम्टम्स हैं, सप्रेशन के ये लक्षण हैं, तो कौन कौन से लक्षण हैं, स्वयं ही हम डायरी में नोट करें ताकि इसका हम बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएं। एक तो ये बात है, और दूसरा हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सप्रेशन और सहनशीलता को एक समझते हैं। क्या दोनों एक हैं कि दोनों में अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम इस पर भी चिंतन करेंगे कि सहनशीलता और सप्रेशन में क्या अंतर है। कई बार हम इमोशन को सप्रेस कर लेते हैं, अंदर ही खलबल जो है मची रहती है, बौखलाहट मची रहती है, और हमको लगता है हमने तो सहनशीलता का पाठ पक्का किया। क्या इसे सहनशीलता कहेंगे? तो सप्रेशन और सहनशीलता में क्या अंतर है, इस ज्ञान बिंदु पर भी हम चिंतन करेंगे। अभी हमें दिखाया जा रहा है एक छोटा सा वीडियो क्लिप, महाभारत का ये सीन है जिसमें बताया गया है कि पांडवों को द्रौपदी का इंसिडेंट सभी जानते हैं, क्योंकि एक पुरुष के लिए सबसे बड़े से बड़ा जो है एम्बेरेसिंग मोमेंट क्या हो सकता है, सबसे बड़े से बड़ी घटना क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। लेकिन एक नारी के लिए सबसे बड़ा एम्बेरेसिंग मोमेंट उसकी लाज हो सकती है, और द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसे ही घटना का परिचायक है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे द्रौपदी कई वर्षों की सप्रेशन या सप्रेस्ड इमोशन को लेकर उस सप्रेशन की अग्नि में जल रही है, हम देखेंगे उस क्लिप में। क्योंकि बताते हैं कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो लगभग 13 वर्ष तक इस सप्रेशन को लेकर, एक बदले की भावना, इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को लेकर द्रौपदी एक पीड़ा, एक विष को सह रही है अंदर। तो वो एक इंसिडेंट दिखाया गया है, छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा, हमें बड़े गौर से देखना है और इसको कैसे इससे मुक्ति पाए द्रौपदी। अगर कोई उस द्रौपदी के स्थान पर होता तो क्या सोचा जाता, या क्या तरीके से उस सप्रेशन से आज़ादी या मुक्ति या निजात मिल सकता, इस पर भी हम चिंतन करेंगे। तो चलिए देखते हैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप, फिर सत्र की, इस सीरीज की जो है फर्स्ट पार्ट की जो है हम समाप्ति करेंगे। ओम शांति। हे केशव,